नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत। हमारी खुशकिस्मती के शेर पंजाब शमशीर आला हजरत हजरतुल अल्लाम सदर सुन्नी तहरीक पंजाब अल्लामा मुजाहिद अब्दुल रसूल खान कादरी साहेब तशरीफ लाए। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तो अजीजा ने गहरामी कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी लारैब किताब अंदर इरशाद फरमाया, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والذين اور وہ لوگ جو يقولون کہتے ہیں والذين جاءوا من بعدهم يقولون اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد اور وہ کہتے ہیں रब्बा नग़फिर लना ए हमारे रब हमें बख्श दे, वली इख्वानिना लज़ीना सबकूना बिल ईमान और वो ये दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन जो हमारे भाई इस दुनिया से जा चुके ईमान की हालत में तो उनकी भी बख्शिश फरमा। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इसाले सवाब के हवाले से जो हमारे बुजुर्ग हमारे मोमिन भाई इस दुनिया फानी से चले जाएं उनके मुतालिक फरमाया कि पीछे रह जाने वाले क्या अमल करें, वो किस तरह दुआ करें कि रब्बना गफिर लना ए हमारे रब हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो ईमान की हालत में इस दुनिया से जा चुके। आज हम यहाँ पे अल्लामा शेर मोहम्मद मुजतवाई साहिब के भाई जान जो इस दुनिया फानी से जा चुके उनके इसाले सवाब के लिए महफिल सजाए बैठे हैं, जिसका हुक्म कुरान हमें दे रहा है कि अपने लिए भी बख्शिश मांगो और जो चले जाएं ईमान की हालत में उनके लिए भी बख्शिश मांगो। अपने रब से इल्तिजा करो कि या रब्बल आलमीन मेरे भी गुनाह माफ फरमा दे और जो मेरा भाई इस दुनिया से जा चुका है रब्बुल आलमीन तू तो गफूर रहीम है, तेरी ये शान है कि अगर तू रहमत करने पे आए तो बाप जहन्नम में सड़ रहा हो पीछे बच्चा बिस्मिल्लाह सिर्फ पढ़ता है तो उसे भी बख्श देता है। तो यहाँ पे तो फिर आज उलमा हमारे फुजला जो है नेक अहबाब और सफेद दाढ़ियों वाले जब हाथ उठा के दुआ मांगेंगे तो मेरा ईमान है कि रब्बुल आलमीन जरूर बिस्सरूर हमारे मरहूम भाई की कामिल बख्शिश फरमाएगा। तो अजीजा ने गिरामी कदर नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय हैदरी उलमाए अहले सुन्नत। तो हजरत जी वकार, मैं ज्यादा देर आपके और उलमाए किराम के दरमियान हायल नहीं होना चाहता। अब मुझे जो ही हुक्म इरशाद होता है कि आगे किस मेहमान को दावत देनी है उस वक्त तक मैं आपकी समा खराशी करता रहूंगा। तो अजीजा ने गिरामी कदर हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप किसी तजारत की गरज से मदीना तय्यबा से गए हुए थे, जब वापिस आए तो अम्मा जान का विसाल हो चुका था। बड़ा जाहरी सी बात है कि माँ हो और दुख ना हो ये हो ही नहीं सकता। नबी पाक ने इस्लाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए कि या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हुजूर में अपनी माँ के लिए कोई ऐसा अमल बताएं कि वो करूं और मेरी माँ कब्र के अंदर राहत जो है वो महसूस करें। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ साथ पानी की कमी है, ये कुआं जो है ना ये अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए वक्फ कर दे, लोग इससे पानी पिएंगे मेरा रब तेरी माँ को सवाब अता फरमाएगा। तो अजीजा ने गिरामी कदर
उस कुएं को जो है वो हजरत सैयदना साद रजी अल्लाह तआला अन्हो की वालदा के लिए मुख्तस कर दिया गया। तो इस हदीस शरीफ से भी पता चला कि मरने वाले के पीछे अगर नेक औलाद होगी तो फिर जरूर भी जरूर फायदा होगा, क्योंकि वो अच्छे आमाल करेंगे। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद हर चीज खत्म हो जाती है सिवाय तीन चीजों के, इन तीन चीजों को अपने पल्ले से बांध लें। हुजूर फरमाते हैं कि नंबर एक सदकाए जारिया, जो कि उस शख्स के लिए किया जाए जो फौत हो चुका है, मरने के बाद भी उसको सवाब पहुंचता रहता है। और फरमाया नंबर दो इल्मे नाफे, जो है आज मैं पढ़ाता हुआ या अल्लामा साहब किसी को पढ़ाते हुए इस दुनिया से जा चुके, आगे वो शागिर्द दूसरों को पढ़ाते हैं, फिर आगे और उनको पढ़ा रहे हैं नस्ल दर नस्ल, ये इल्म चलता रहेगा। जिस उस्ताद से पढ़ा है उस उस्ताद को कब्र के अंदर फायदा जरूर पहुंचता रहेगा। और फरमाया कि नंबर तीन नेक औलाद, साले औलाद, फरमाया कि ये भी छोड़ के जाओ, ये भी तुम्हारे लिए पीछे मरने के बाद जो है तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनेगी। तो अजीजा ने गिरामी कदर हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हम सिर्फ पैसा ही मतमाए नजर जिंदगी का नहीं होना चाहिए। सरमाया असल के अंदर जो इंसान इस दुनिया में छोड़ के जाता है वो हकीकत के अंदर या इल्मे दीन पढ़ा के जो जा रहा है वो सरमाया है, या फिर नेक औलाद जो छोड़ के जा रहा है वो सरमाया है। क्योंकि मैं यहां पे आया हूं, मैं सिर्फ इतना ही कह सकूंगा ना कि या रब्बल आलमीन ये मैंने जो कुरान पढ़ा है कि ये फुलां फुलां को मैं बख्शता हूं, बस मेरे तो जज्बात इतने ही होंगे ना। लेकिन जब बेटा बाप के हक में दुआ करेगा ना तो उसके अंदर जज्बात भी होंगे, ये बात याद रखिएगा। अपने बेटों को इस काबिल बनाएं कि वो ये ना कहें कि जब अब्बा जान फौत हो गए तो जी कारी साहब गुसल देने के लिए आए, वो कहे नहीं पीछे हट जाओ, मेरे बाप ने मुझे सिखाया हुआ था। ये बेटे और बाप के दरमियान पर्दा रहना चाहिए, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए बेटा खुद गुसल देने के लिए आगे हो, बेटा खुद जो है वो नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए आगे हो। क्यों आप लोग मोहताजियां लेते हैं? अपने बेटों को दीन पढ़ाएं, बेटियों को दीन पढ़ाएं, जो वो आपके हक के अंदर दुआ कर सकते हैं, जो उनके जज्बात बाप के लिए हो सकते हैं वो कभी भी किसी दूसरे के नहीं हो सकते। तो अजीजा ने गिरामी कदर अब मैं